Hello student, I am Tanushree ma'am and I am back again with another interesting Wednesday's story. So, are you ready to watch? Let's start. Students, आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिक चैंट यानी एक जादुई मंत्र। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे डाकू रहा करते थे। ये डाकू बहुत ही खतरनाक थे। उस जंगल में जो भी व्यक्ति आता जाता वो उन्हें पहले लूट लेता और फिर उनकी जान ले लेता। इसी दौरान एक बार की बात है, उस जंगल से एक गुरु और एक चेला उस जंगल से गुजर रहा था। डाकुओं ने उन दोनों को देखा और पकड़ लिया। डाकुओं ने गुरु से कहा कि उनके पास जो कुछ भी है वो उन्हें दे दे, लेकिन गुरु ने कहा कि उसके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सभी डाकू जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, इस गुरु को पेड़ से बांध दो। उन्होंने वैसा ही किया और चेले से कहा कि तुम फौरन जाओ, गांव में जो मंदिर है उस मंदिर से 1000 सोने के सिक्के लेकर आओ। अगर नहीं आए तो तुम्हारे गुरु की हम हत्या कर देंगे। ये सुनकर वो चेला अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह तक वो सोने के सिक्के लेकर आ जाऊंगा। पूरी रात उस जगह एक पेड़ के पास बंधे रहने की वजह से गुरु की हालत खराब थी। उसने सोचा उसकी जान नहीं बच पाएगी। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक मंत्र का ज्ञान है। उस मंत्र का नाम है वैदर्भ मंत्र। वैदर्भ मंत्र की पूरे जीवन में सिर्फ एक बार जाप कर सकते थे। इस मंत्र की खासियत ये थी कि जो भी उस मंत्र को पढ़ता आकाश से हीरे और मोतियों और जवाहरातों की वर्षा शुरू हो जाती। उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि क्यों ना वो डाकुओं के साथ एक समझौता कर ले। उसने सभी डाकुओं से अपनी इस खूबी के बारे में बताया। ये सोचकर सभी डाकू बहुत अचंभित थे। उन्हें लगा कि कहीं ये गुरु यहाँ से भागने के बारे में तो सोच नहीं रहा, इसीलिए उसने मनगढ़ंत कहानी बना ली। लेकिन गुरु ने दिलासा दिलाई कि उसे इस मंत्र के बारे में सच में पता है। वो वहीं बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा और जल्द ही आकाश से हीरे जवाहरात की वर्षा शुरू हो गई। ये देखकर सभी डकैत डाकू खुश हो गए और उन्होंने उस गुरु से कहा कि वो इस मंत्र का जाप करता ही जाए ताकि उन्हें बहुत सारे सोने जवाहरात मिल सके। लेकिन ये संभव नहीं था। उस गुरु ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन डाकुओं के मन में लालच आ चुका था। उन लोगों ने उस गुरु की बात न मानी और उसकी हत्या कर दी। कुछ ही देर बाद उन बाकी डाकुओं के मन में भी लालच पैदा हो गई और वो लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और इसी दौरान लालच की वजह से वे लोग एक दूसरे को ही मार डाले। जब सुबह हुई तो चेला वाकई
1000 सोने के सिक्के लेकर वापस आया। लेकिन ये क्या, उसने उस नजारे को देखा और दंग रह गया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें एक लालची व्यक्ति को खुश करने की, लेकिन उसे खुश नहीं कर सकते। उसके मन में जो लालच होता है वह कम नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। इसलिए उचित यही है कि उन इंसानों से समझौता करने के बजाय हम मुसीबतों का सामना करना सीख जाएं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप यू विल एंजॉय इट एज मच एज यू हैव एंजॉयड द लास्ट स्टोरी। सून आई विल कम विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।